टू क्राफ्टी हैंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ म्यूरल। तो सबसे पहले हम टेक्सचर का काम स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 स्पून डेंट पाउडर और लगभग उतना ही मैंने फेविकोल लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक थिक पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा पानी डालें। अभी हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। तो म्यूरल बनाने के लिए हमको एक MDF कटिंग बोर्ड चाहिए। ये मैंने रेक्टेंगल शेप की ली है, इसमें पीछे हुक भी लगा है। इसके साथ में हमने टेक्सचर देने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करेंगे आज हम। ये एक वेस्ट नेट पीस है, थोड़े से पेपर के पीसेस हैं, स्टोन है और ये एक पेपर कटिंग है जो मैंने हाथ से, एक अल्फाबेट का भी स्टेंसिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी प्लास्टिक नाइफ की हेल्प से हम इसको स्मूथली कवर करेंगे। अभी हम इसमें कोई भी टेक्सचर नहीं देंगे, इसको ड्राई होने देंगे। इसके बाद हम, जब ये ड्राई हो जाएगा, तब हम लोग डिफरेंट टेक्सचर्स देंगे। अभी ये हमारा ड्राई हो गया है और मैंने थोड़ा सा और पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, ये थोड़ा थिक होना चाहिए। और इसको धीरे से इस तरीके से उठाइए। तो इसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर यूज करना है हमको। इसको भी हम थोड़ा स्लैंटिंग वे में देते हैं। इसको ऐसे रखिए और इन अल्फाबेट्स के अंदर ही फिल होना चाहिए। ये हमारा अल्फाबेट और मैंने 2-3 जगह पर नंबर्स दिए हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी स्टेंसिल्स आप यूज़ कर रहे हो उसको इमीडिएटली आप वॉश करके रखिए। अदरवाइज एक बार ये पाउडर ड्राई हो गया तो फिर वो आपका नहीं निकलेगा। सो अब हम लोग नेक्स्ट टेक्सचर देते हैं। ये मैंने टिश्यू पेपर लिया है, उसको ऐसे स्क्रम्बल कर लिया है। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से डेंट पाउडर की हेल्प से इसको फिक्स कर देंगे। इसको मैंने फेविकोल नीचे लगाकर ऐसे स्टिक कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे क्योंकि ये थोड़ा थिक हो गया है।
अभी ये हमने यहाँ पे पूरा डेंट पेस्ट लगा दिया है। अब हम कोई भी पॉइंटेड चीज से इसमें टेक्सचर देंगे। अभी हमारा टेक्सचर वर्क कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको अच्छी तरीके से ड्राई होने देंगे। अभी ये हमारा ड्राई हो चुका है। ये एम सील है, इसको मैंने पहले से ही मिक्स करके रखा है। और ये हार्ट शेप का कटर, इससे हम एक बिग रोज बनाएंगे। फेविकोल कॉम्पैक्ट ब्लेड पेंसिल, सबसे पहले रोलिंग पिन की हेल्प से हम इसको रोटी के जैसा बेल लेंगे। अब हम हार्ट शेप के कट करेंगे। मैंने 12-13 हार्ट शेप कट कर ली हैं और इसके बाद मैंने एम सील से यहाँ पे विंडो की शेप दी है और इसको थोड़ा हाथ से ऐसे फ्लैट कर लिया है। इसके बाद में हम इसको, हमने थोड़ा थिक लिया है तो अंदर में डिवाइड करने के लिए इसको थोड़ा हम पतला करेंगे। डिजाइन देंगे। इसके बाद अब हम रोज़ बनाएंगे। रोज़ बनाने के लिए नीचे से थोड़ा सा टाइट लेना है और ऊपर से थोड़ा लूज। इसके बाद एक हार्ट शेप और इसको इस तरीके से
अब हम ये एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से हटा देंगे, इसका कोई यूज़ नहीं है। इस फ्लावर को हम यहाँ पे स्टिक कर रहे हैं। ऊपर आपको हाथ नहीं लगाना है, यहीं पर नीचे से पुश करते हुए ऐसे स्टिक करना है और इसकी पेटल्स को थोड़ा सा आपको सेट करना है। इस तरीके से, इसी तरह से हम कुछ बड़े और कुछ छोटे फ्लावर्स अलग अलग जगह पे फिक्स करेंगे। अब मैं आपको बिना इस कटर के फ्लावर बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए आपको इस तरीके से अब इसका सेंटर पार्ट बनाने के लिए थोड़ा सा लेंथ मिलेंगे। और इसको बस ऐसे फिक्स करते जाएंगे। पहले छोटे वाले और फिर बाद में बड़े वाले, और बाद में इसको ऐसे शेप दे देना है। अब हम विंडो के पास में एक बेल बनाएंगे। बेल को भी हम स्मॉल स्मॉल रोसेस और थोड़ी लीफ से कवर करेंगे। ये फ्लावर फिक्स हो गए हैं, अब हम लोग लीफ फिक्स करेंगे। लीफ बनाने के लिए एक छोटा सा बॉल, इसको कोन शेप, इसको ऐसे पुश करिए। और इसको ऐसे फिक्स करेंगे, थोड़ा सा बैक साइड से इस तरीके से पुश करके। इसको थोड़ा सा 3D लुक देते हुए, एकदम फ्लैट फ्लैट स्टिक नहीं करेंगे। ये हमारा विंडो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर अपना फेवरेट वर्ड यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे पीस लिखने जा रही हूँ, आप चाहो तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सो आप चाहो तो डायरेक्ट फेविकोल से या पहले पेंसिल से कर लीजिए।
अब हम इसी तरीके से ये जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन में लिखा है उसी तरह हम इसको स्टैंडिंग वे में हम लव लिखने जा रहे हैं, एल ओ वी ई। और इसके लिए हम थोड़ा थिक रोल बनाया है मैंने, और इस रोज के पास हम एक दो लीव्स लगाएंगे बना के। अभी हमारा क्ले वर्क कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको ड्राई करेंगे। और ड्राई करने के बाद सबसे पहले हम पूरे पे वाइट कलर की कोटिंग करेंगे। अभी ये हमारा पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है, मैंने इसमें वाइट कलर से पूरा एक कोटिंग दिया है। अभी हम इसका बैकग्राउंड शेड करेंगे। तो बैकग्राउंड शेड करने के लिए हमें एकदम ड्राई ब्रश चाहिए। इसके बैकग्राउंड में मैं स्काई ब्लू कलर यूज़ करूँगी। थोड़ा सा ब्लू अभी इसके बाद हम येलो कलर से भी सेम प्रोसीजर, थोड़ा सा येलो कलर अभी ब्लू से अगेन हम सेम प्रोसीजर करेंगे यहां तक। अब नीचे वाले पार्ट में जहां पे स्टोन है वहां पे पर्ल कलर हम यूज करेंगे। अब यही कलर थोड़ा सा, ये जो हमारा टेक्सचर है हम इसके ऊपर बिल्कुल ड्राई ब्रश यूज करेंगे।
वाइट कलर का पर्ल हम इन अल्फाबेट्स पे यूज़ करेंगे। फिर बहुत ही हल्के हाथ से ये जो हमारा टेक्सचर है इसके ऊपर भी हम वाइट यूज़ करेंगे। इसके बाद मैंने गोल्डन कलर से भी यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे टेक्सचर दिया है। हल्का हल्का सा अल्फाबेट पर भी। अब हम लोग फ्लावर्स करेंगे। रोज को हम पिंक कलर से करेंगे और थोड़ा सा पर्पल कलर से शेडिंग। अभी हमारे रोजेस हो गए हैं। इसके बाद थोड़ा सा कॉपर पर्ल इसको इस तरीके से अल्फाबेट के साइड्स में इसको हमने व्हाइट कलर से इसको येलो कलर से और विंडो के बॉर्डर को भी येलो कलर से पेंट किया है। जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम इसमें गोल्डन कलर यूज़ करेंगे और इसमें पर्ल वाइट कलर यूज़ करेंगे। सबसे पहले अब हम स्टेम करेंगे। स्टेम को हम करने जा रहे हैं सैप ग्रीन से। लीव्स करेंगे हम लोग लाइट ग्रीन कलर से। ये विंडो के बैकग्राउंड हमने ब्लैक कलर से किया है और ये पूरा बॉर्डर येलो कलर से। बस ये ड्राई हो जाएगा तो इसकी जो ये डिज़ाइन है इसको हम गोल्डन कलर से करेंगे। लव अल्फाबेट LOVE को भी हमने गोल्डन कलर कर लिया है। अब हम इसके ऊपर वाइट पर्ल यूज़ करेंगे।
अभी हमारा म्यूरल कंप्लीट हो चुका है, बस इसको ड्राई होने देंगे और ड्राई होने के बाद हम इस पर वार्निश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।